नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण अवकर्षण के मानवीय कारकों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम पर्यावरण अवकर्षण के भौतिक कारकों का अध्ययन किया था। पर्यावरण ह्रास के प्राकृतिक कारकों का प्रभाव सीमित स्तर पर होता है तथा इन्हें नियंत्रित करना मानव के बस की बात नहीं है, किंतु मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव व्यापक स्तर पर होता है। मानव अपनी भौतिक सुविधाओं एवं प्रगति के लिए अनेक ऐसे कार्य कर रहा है जो पर्यावरण ह्रास के मुख्य कारण हैं। मानवीय क्रियाकलापों से अनेक प्राकृतिक प्रकोपों की प्रभावशीलता भी बढ़ी है। मानव की इन क्रियाओं में उपभोगवादी संस्कृति, वन विनाश, वन जीवों का विनाश, कृषि व पशुपालन, अधिक सिंचाई, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगीकरण, नगरीकरण, बड़े बांधों का निर्माण, खनन, ऊर्जा का अधिक उपयोग आदि शामिल हैं। सर्वप्रथम आता है उपभोगवादी संस्कृति। वर्तमान काल में उपस्थित पर्यावरण संकट मानव की उपभोगवादी या भौतिकवादी संस्कृति की देन है। मानव ने इस तथ्य को विस्मृत कर दिया कि वह भी वनस्पति एवं जीवों के समान ही प्रकृति का एक अंग है, प्रकृति का स्वामी नहीं है। मानव पर्यावरण की उपज है। पर्यावरण पर मात्र मानव का नहीं अपितु अन्य प्राणियों, पेड़ पौधों, आने वाली पीढ़ियों का भी अधिकार है। पश्चिम की भोगवादी संस्कृति के प्रभाव में अधिकाधिक सुख सुविधाएं जुटाने के लिए मानव ने प्रकृति का अविवेकपूर्ण ढंग से दोहन प्रारंभ कर दिया। मानव प्रकृति के साथ मित्रवत संबंधों के स्थान पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगा। वह विकास की दौड़ में तथा तात्कालिक लाभों के लिए पर्यावरण का अनियंत्रित शोषण करने लगा। पर्यावरण पर संपूर्ण जीव जगत का अधिकार है। मानव ने इस तथ्य की उपेक्षा की है। मानव ने प्रकृति को मात्र उपभोग की वस्तु समझ लिया है। ये सोच जूडो क्रिश्चियन धार्मिक परंपरा की देन है। इस दर्शन के अनुसार प्रकृति की समस्त वस्तुएं मानव के लाभ के लिए बनाई गई हैं तथा उन पर मनुष्य का अधिकार है। मानव को अपनी इच्छा अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। सृष्टि की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मनुष्य की सेवा के उद्देश्य से नहीं बनी है। इसी सोच के कारण पर्यावरण ह्रास की समस्या उत्पन्न हुई है। पर्यावरण संरक्षण की भावना सनातन काल से भारतीय जीवन दर्शन के चिंतन का केंद्र बिंदु रही है। आज विश्व स्तर पर इसी दर्शन की पुनर्स्थापना की महती आवश्यकता है। तो मनुष्य की जो उपभोगवादी भोगवादी जो सोच है कि हम अपना प्रॉफिट अधिक से अधिक करने की चाह में, चाहे हमारे पास कितना भी है लेकिन उसको दोगुना, तिगुना, चौगुना या विश्व में सबसे अमीर बनने की होड़ में हम उसका अविवेक पूर्ण रूप से दोहन कर रहे हैं। और इस उपभोगवादी सोच ने प्रकृति का जो से जो मित्रवत जो रिश्ता था उसको ख़त्म करके शत्रुतापूर्ण रवैया मनुष्य ने अपना लिया है, और जिसके उसमें आज पर्यावरण अवकर्षण के लिए महत्वपूर्ण कारण बनता जा रहा है। अतः हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये सोच बदलने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है वन विनाश। वन हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। वृक्षों की कटाई तथा अन्य कारणों से वन क्षेत्रों में कमी होने को वन विनाश कहा जाता है। वन विनाश पर्यावरण ह्रास का प्रमुख कारण है। आदिम काल से पृथ्वी पर वनों का अत्यधिक विस्तार था। मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से होती थी। पशुचारण तथा स्थायी कृषि के साथ ही वनों की कटाई प्रारंभ हुई। जनसंख्या तथा मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण धरातल पर वन क्षेत्र घटने लगा। वन मात्र प्राकृतिक संसाधन ही नहीं है अपितु जीव मंडल का आधारभूत तत्व है। ये पारिस्थितिक तंत्र के संचालन का आधार है। सभी प्राणियों को इनसे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जलवायु व्यवस्थित रहती है, मृदा संरक्षण होता है, भूमिगत जल में वृद्धि होती है, अनेक जीव जंतु निवास करते हैं तथा विविध वनोत्पाद वनों से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे वनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ है। अप्रत्यक्ष रूप से चाहे वो तापमान है, जलवायु है, वर्षा है, मृदा संरक्षण है, लकड़ी वगैरह, ये आपके प्रत्यक्ष लाभ होते हैं। विभिन्न कारणों से वनों का विनाश तीव्र गति से हो रहा है। विश्व के कुल वन क्षेत्र 1900 से 2000 के मध्य 700 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र से घटकर 237 करोड़ हेक्टेयर रह गए हैं।
अमेजन और मध्य अमेरिका में वन विनाश चरम पर है। विश्व वन जीव कोष की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अन्य देशों की तुलना में भारत में शीतोष्ण वनों का तेजी से क्षरण हो रहा है तथा अन्य वनों पर भी आबादी का दबाव बढ़ रहा है। वन विनाश के प्रमुख कारणों में जनसंख्या वृद्धि, पशुपालन, औद्योगिकरण, खनन, बड़े बांधों का निर्माण सम्मिलित है। इसके अलावा सूखा, बाढ़, ज्वालामुखी, चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी वनों को हानि होती है। वनों में लगने वाली आग से भी छोटी बड़ी सभी प्रकार की वनस्पति नष्ट हो जाती है। तो जो वन विनाश का जो मुख्य कारण, चाहे औद्योगिकरण है, चाहे बढ़ तेजी से शहरीकरण है, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना है, और इसके साथ में ही आपके चाहे ज्वालामुखी, चक्रवात, प्राकृतिक घटनाओं से भी वनों का विनाश हो रहा है, और वन विनाश आपके पर्यावरण अपकर्षण का मुख्य कारण बनता जा रहा है। अतः वनों को क्षेत्र बढ़ाकर हम इस पर रोक लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्राणी संपदा का विनाश। वनस्पति के समान ही प्राणियों का भी पारिस्थितिक तंत्र में अत्यधिक महत्व है। यदि प्राणियों की कोई भी जाति संकटग्रस्त होती है तो इसका प्रभाव जैव जगत के सभी घटकों पर पड़ता है। कहने का मतलब उसमें फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। यदि एक कड़ी को हम निकाल दें तो उसमें से सारा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। वन जीवों का विनाश भी पर्यावरण ह्रास का एक कारण है। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह के द्वारा वनस्पति, प्राणी, मानवों का गहन संबंध होता है। अनेक कीड़े मकोड़े फफूंदों को खाकर तथा पक्षी हानिकारक कीड़े मकोड़े खाकर पौधों की रक्षा करते हैं। विभिन्न प्राणी पौधों के प्रकीर्ण में सहायक होते हैं। वन प्राणियों की विभिन्न गतिविधियां पारिस्थितिक तंत्र को नियमित बनाए रखती है। अतः सभी प्रकार के जीव जंतुओं का प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में अपना महत्व होता है। प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अनुसार विश्व में लगभग 50 लाख से अधिक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से मात्र 14 लाख को ही अब तक पहचाना गया है। पर्यावरण संतुलन के लिए पृथ्वी पर यह जैव विविधता बने रहना आवश्यक है। अनेक कारणों से विभिन्न प्राणियों की लगभग 25% प्रजातियाँ संकटग्रस्त अवस्था में हैं। प्रकृति संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार रेड डाटा बुक में ऐसी 1000 जातियाँ दी गई हैं जिनके विलुप्त होने का डर है तथा 300 से अधिक जातियाँ एवं उपजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। पर अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण भारत के वन जीवों में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है, किंतु यहाँ प्राणियों की अनेक जातियाँ निरंतर घटती जा रही हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के अनुसार भारत में 137 वन जीव विलोपशील या संकटग्रस्त अवस्था में हैं। ये जातियाँ जिनके तुरंत विलुप्त होने का डर है उनमें गैंडा, साइबेरियन टाइगर, एशियाई चीता, लाल भेड़िया, पर्वतीय गोरिल्ला, मोर, बारहसिंघा आदि प्रमुख हैं। वन जीवों के विनाश के मुख्य कारणों में प्राणियों के वास स्थलों अर्थात वनों का विनाश, कृषि क्षेत्र में वृद्धि, औद्योगिकरण, वन प्रदूषण, नदी घाटी योजनाएं, खनन, अवैध शिकार, वन क्षेत्रों में बढ़ता मानवीय हस्तक्षेप, वन अग्नि, बीमारियां, बाढ़, सूखा, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं। तो ये विभिन्न कारण हैं जिनके कारण हमारा जो वन जीव हैं, जो प्राणी संपदा है, वो नष्ट हो रही है, और ये एक उसका पर्यावरण अवकर्षण का कारण बन रहा है। नेक्स्ट है कृषि। पर्यावरण ह्रास में कृषि क्षेत्र के विस्तार तथा कृत्रिम साधनों से गहन कृषि उत्पादन दोनों की भूमिका रही है। पर्यावरण अवकर्षण के लिए जो आपके कृषि है वो भी उत्तरदायी, क्योंकि कृषि के लिए हमने जमीन प्राप्त करने के वनों को साफ किया है, विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड इसमें यूज किए जा रहे हैं, तो ये पर्यावरण अवनयन का कारण बन रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं या खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक घास स्थलों वन साफ करके कृषि भूमि का विस्तार किया गया। दुर्गम पहाड़ी ढालों से लेकर सखी सूखी दलदली भूमि कृषि भूमि प्राप्त करने के प्रयास किए गए। आधुनिक काल में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि तथा उन्नत यंत्रों के प्रयोग ने कृषि भूमि के विस्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। औपनिवेशिक काल में यूरोपीय लोगों द्वारा विभिन्न महाद्वीपों में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक फसलों की कृषि हेतु वनों को साफ किया गया। मानव के तकनीकी विकास का कृषि पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि के प्रयोग से कृषि उत्पादन तो कई गुना बढ़ गया, लेकिन उसके पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। 20वीं शताब्दी में नवीन कृषि विधियों द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में की गई इस वृद्धि को हरित क्रांति कहा गया।
सघन कृषि या कृषि क्षेत्र विस्तार से अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई। हरित क्रांति के अभीष्ट लक्ष्य खाद्यान्न में वृद्धि को प्राप्त कर दिया गया, किंतु इससे पर्यावरण ह्रास हुआ है। वन विनाश के कारण पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हुआ। रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अधिकाधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषित हो गई। फलों एवं सब्जियों का स्वाभाविक स्वाद नष्ट हो गया। मृदा में जैविक अंशों की कमी होने से उसकी गुणवत्ता नष्ट हो गई। आदिम क्षेत्रों में स्थानांतरणशील कृषि, पहाड़ी ढालों पर कृषि, मरुस्थलों में स्थायी टिब्बों पर कृषि से अपरदन की प्रक्रिया तीव्र हुई है। तो जो कृषि विस्तार है, इसने भी पर्यावरण आवरण को तेजी से बढ़ाया है, क्योंकि कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वनों को काटा गया और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का और पेस्टिसाइड का उपयोग किया गया और इन सभी पर पर्यावरण आवरण को बढ़ाने में योग दिया है। नेक्स्ट है पशुपालन। पर्यावरण ह्रास के लिए अत्यधिक पशुचारण भी उत्तरदायी है। मानव प्रारंभ से ही दूध, मांस, खाल, ऊन आदि पदार्थ तथा कृषि परिवहन के लिए पशुपालन करता आया है। पशुपालन क्षेत्रों में निरंतर विस्तार से अनेक वन क्षेत्र चारागाह में बदल गए। सघन वनों में सीमावर्ती भागों में चारागाहों का विस्तार हो रहा है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में बड़े पैमाने पर वनों को काटकर चारागाह विकसित किए गए। टर्की, यूनान, पश्चिम एशिया, अफ्रीकी तट, भारत के हिमालय क्षेत्र, दक्षिण पठार अनियंत्रित पशुचारण से वनस्पति नष्ट हुई है तथा मृदा अपरदन बढ़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, रूस, नीदरलैंड, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में पशुपालन व्यवसाय उन्नत अवस्था में है। उन्नत नस्लों के कारण इन क्षेत्रों में पशुओं की संख्या कम संख्या से भी अधिकतम उत्पादन प्राप्त किए जाते हैं। इसके विपरीत विकासशील देशों में पशुओं की उन्नत नस्लें बहुत कम हैं तथा पशुओं की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। विकासशील देशों में निरंतर बढ़ता पशु घनत्व भी पर्यावरण ह्रास का एक कारण है। भारत में साधारण नस्ल के पशुओं की संख्या बहुत अधिक है। विश्व की लगभग 19% पशु संख्या भारत में जो विश्व में सर्वाधिक पशु हैं। जनसंख्या वृद्धि की समस्या से जूझते भारत जैसे विकासशील देशों में बढ़ती हुई पशुओं की संख्या एक प्रमुख समस्या है। पशुओं की बढ़ती संख्या के लिए अधिक चारा व जल प्राप्त करने के लिए पर्यावरण पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तो ये जो पशुओं की संख्या जो इजाफा हो रहा है, बढ़ रही है, वो भी वन क्षेत्रों के विनाश के लिए उत्तरदायी है और वन क्षेत्र जो विनाश होगा तो पर्यावरण आकर्षण की में बढ़ोतरी होगी। तो इसको हम सीमित करके अच्छी नस्ल के पशु पाल कर और खराब नस्ल को पशुओं को हटाकर इसका पर्यावरण आकर्षण से हम कुछ हद तक सुधार कर सकते हैं। सिंचाई व्यवस्था। कृषि कार्यों के लिए नियमित जल आपूर्ति हेतु मानव ने सिंचाई के साधनों का विकास किया। बांध बनाकर, नदियों से नहर निकालकर सिंचाई करने में कृषि क्षेत्र एवं कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, किंतु सिंचित क्षेत्रों में जल प्रबंधन के अभाव से लवणीकरण, क्षारीयता, जल प्लावन जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। उदाहरण, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई के कारण जल प्लावन, जल क्रांता प्रमुख समस्या बन गई है, जिसे स्थानीय रूप से सेम समस्या कहा जाता है। सेमग्रस्त क्षेत्रों में निचले स्थानों पर पानी भर जाता है तथा आसपास की भूमि दलदली में क्षारीय हो जाती है, भूमि ऊसर होने लगती है। इससे सभी आर्थिक और सामाजिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। स्थानीय प्राकृतिक वनस्पति नष्ट होने लगती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के नहरी क्षेत्रों में मृदा की नमी में वृद्धि से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। सिंचाई के लिए सतही जल के अलावा भूमिगत जल का दोहन भी बड़े पैमाने पर किया जाने लगा है। परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्रों में तो वृद्धि हुई, किंतु भूमिगत जल स्तर तीव्र गति से घटने लगा। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक जल की आवश्यकता वाली कृषि पद्धतियों के कारण जल संकट और तीव्र हुआ। राजस्थान में भूमिगत जल की अत्यधिक कमी वाले बहुत बड़े भाग को भूजल विभाग द्वारा डार्क जोन घोषित किया गया। अकालों की बढ़ती आवृत्ति ने राज्य में जल अभाव को और बढ़ा दिया। इस प्रकार दोषपूर्ण सिंचाई प्रणाली भी अत्यधिक जल दोहन युक्त क्षेत्रों में पर्यावरण ह्रास का कारण बना है। तो जल जो सिंचाई व्यवस्था है, नहरी है, बांध बनाना है, वो भी वाटर लॉगिंग या सेम भी समस्या को बढ़ाते हैं। और इस प्रकार की फसलों का जिसमें अधिक जल की आवश्यकता होती है, वो अंडरग्राउंड वाटर को कम कर रहे हैं। तो इन सभी का प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य पर प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है और वो अवकर्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। हम जानते हैं कि जनसंख्या सभी समस्याओं, मनुष्य सभी समस्याओं का जन्मदाता है या खुद उसका
कारक है। तो ऐसी स्थिति में जो तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है वो सारी समस्याओं की जड़ है। उसी की वजह से वनों का कटाव, वो अधिक भूमि की प्राप्ति, नगरीकरण, जल की समस्या, ये सारी समस्याएं जनसंख्या वृद्धि के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। पर्यावरण ह्रास का मूल कारण जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या को प्रथम 100 करोड़ पहुँचने में 33 वर्ष लगे। इस प्रकार 1960 में विश्व की जनसंख्या 300 करोड़ हो गई। अगले 100 करोड़ पहुँचने में 14 वर्ष लगे और इसके बाद 13 वर्ष लगे और 2000 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब से अधिक होगी। अर्थात अंतिम 100 करोड़ जनसंख्या मात्र 12 वर्ष में बढ़ी है। इतनी तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि का एक और भयावह पक्ष यह है कि अधिकांश वृद्धि आर्थिक रूप से पिछले देशों में हो रही है। विश्व स्तर पर जनसंख्या वृद्धि की दर 1.57% है, जबकि विकासशील देशों में ये दर 1.88% है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 1.91% है। अधिक जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण उच्च जन्म दर है। विश्व का जन्म दर औसत 25 प्रति 1000 है, जबकि भारत में 29, बांग्लादेश में 31, पाकिस्तान में 40 प्रति 1000 है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि, खनिज, जल आदि प्राकृतिक संसाधनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता निरंतर घटती जा रही है। कुपोषण, भुखमरी, बेकारी, गरीबी, आवास की कमी आदि समस्याएं जनसंख्या वृद्धि के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से अकाल, बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या जो तेजी से बढ़ रही है ये सभी जनसंख्या समस्याओं का कारण है और जिससे पर्यावरण अवकर्षण बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें जनसंख्या को नियंत्रित करके पर्यावरण अवकर्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। नगरीकरण एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है। नगरीकरण से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं ने पर्यावरण ह्रास को प्रभावित किया है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व में नगरीकरण की गति तीव्र हो गई। रोजगार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर जनसंख्या का तीव्र प्रवाह होने लगा। 19वीं शताब्दी में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि में विकसित देशों का योगदान अधिक रहा, जबकि 20वीं शताब्दी में विकासशील देशों का योगदान सर्वाधिक रहा है। 1960 से 90 के मध्य नगरीय जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस अवधि में यूरोप का नगरीय स्तर 40% से बढ़कर 73%, ऑस्ट्रेलिया में 65 से 85%, संयुक्त राज्य में 70 से 75%, पूर्व सोवियत संघ में 36 से 66%, अफ्रीका में 13 से 32%, एशिया में 18 से 31% हो गया। भारत में नगरीकरण का स्तर 12% से बढ़कर 26% हो गया। 20वीं शताब्दी में महानगरों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। 1950 में न्यूयॉर्क 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला एकमात्र नगर था। 90 में ऐसे नगरों की संख्या 12 और 2000 में 20 हो गई। इस प्रकार बढ़ती नगरीकरण के कारण कृषि भूमि पर अतिक्रमण, प्रदूषण, गंदी बस्तियाँ, अवशिष्ट कूड़ा करकट का एकत्रीकरण, जल संकट, जन सुविधाओं पर दबाव आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई और इन समस्याओं के कारण पर्यावरण अवकर्षण की मात्रा तेजी से बढ़ी है। तो हम नगरीकरण को सीमित करके जो सुविधाओं गाँव में विकसित कर भी हम इस चीज़ को कुछ संख्या में निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें बढ़ते औद्योगिकरण के दुष्प्रभावों के कारण विकसित एवं विकासशील सभी देशों में पर्यावरण ह्रास हो रहा है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात पहले यूरोप में, बाद में विश्व के अन्य भागों में उद्योगों की स्थापना बड़े पैमाने पर हुई। उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर तीव्र गति से दोहन होने लगा। बढ़ते औद्योगिकरण से लोगों का जीवन स्तर तो बढ़ा किंतु पर्यावरण में अत्यधिक हानि हुई है। औद्योगिकरण से वनों का विनाश, उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों से प्रदूषण, जल संकट, अति नगरीकरण आदि समस्याएं उत्पन्न हुई। कागज, रेयन, प्लाईवुड आदि उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गई, जिससे वन क्षेत्र में निरंतर कमी आई। औद्योगिक देश आज अनेक पर्यावरणीय घटनाओं से घिर गए हैं। इन देशों में अब विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों की कमी अनुभव की जाने लगी है, अतः अन्य देशों के संसाधनों का उपयोग करने लगे। अति नगरीकरण के लिए औद्योगिक विकास उत्तरदायी है। औद्योगिक राष्ट्रों में अधिकांश जनसंख्या नगरों में संकेंद्रित है, इसी कारण गंदी बस्तियों का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को उन्नत तकनीक उपलब्ध नहीं कराने के दोयम दर्जे की मशीनों के कारण पर्यावरण समस्याएं और बढ़ी हैं। उदारीकरण के दौर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में पर्यावरण की उपेक्षा करते हुए
अनेक उद्योगों की स्थापना की गई। औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा संसाधनों की बढ़ती दर के कारण एक ओर राष्ट्र ऊर्जा संकट उत्पन्न हो रहा है, दूसरी ओर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है, अनेक जीवों के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। उद्योगों का अनियंत्रित विकास आज पर्यावरण ह्रास का महत्वपूर्ण कारण बन गया है। तो जो औद्योगिकीकरण है, जिसके द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति या फिर विकसित देशों ने आजकल इसको प्रदूषण से बचने के लिए दूसरे देशों में उद्योग स्थापित प्रारंभ करना प्रारंभ कर दिया है, जिससे अब पर्यावरण आकर्षण बढ़ा है। नेक्स्ट है खनन। खनन के कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद उद्योगों में कच्चे माल तथा शक्ति साधनों की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर खनिजों का दोहन होने लगा है। आधुनिक काल में उन्नत स्वचालित मशीनों के किए जाने वाले उत्खनन से खनिज निकालने की गति तीव्र हुई है। परिणाम स्वरूप खनिज भंडार तेजी से घटते जा रहे हैं। इसी गति से खनन होता रहा तो 21वीं शताब्दी में अनेक खनिजों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। वन क्षेत्रों में खनन से वनों का विनाश हो रहा है। खनन स्थलों पर बने विशाल गर्तों, मलबे के ढेर व भूमि सदा के लिए बंजर हो जाती है। खनन के लिए भूमि की ऊपरी परत हटाने से मृदा अपरदन बढ़ता है। खानों के लिए जाने के लिए विस्फोटकों से भूस्खलन में वृद्धि होती है। उत्खनन से निकलने वाले धूल कणों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। खनन की विभिन्न विधियों में खुला खनन से पर्यावरण को सर्वाधिक हानि होती है। खनन क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चले जाने से निकटवर्ती क्षेत्रों में जल संकट उत्पन्न हो जाता है। अधिक गहरी खानों से काम करने वाले खनिकों का जीवन असुरक्षित होता है। भूमि धंसने से होने वाली दुर्घटनाओं, खानों से निकलने वाली विषैली गैसों से जनजीवन में अनेक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कोयला क्षेत्रों में लगने वाली भूमिगत आग पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। इससे निकलने वाले धुएं और तापमान में वृद्धि से पर्यावरण को अत्यधिक हानि होती है। खनन गतिविधियों के कारण निकटवर्ती वनों में निवास करने वाले प्राणियों की प्राकृतिक क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। इस प्रकार अनियोजित व अनियंत्रित खनन भी पर्यावरण ह्रास का लिए उत्तरदायी है। तो खनन के द्वारा भी पर्यावरण आकर्षण तेजी से हो रहा है। तो इसको अच्छी तकनीकी के द्वारा, खनन के द्वारा या खनन को सीमित करके पर्यावरण को ध्यान में रखकर खनन के विधियों अपनाकर हम पर्यावरण आकर्षण को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बड़े बांधों का निर्माण। सिंचाई, विद्युत आदि उद्देश्यों के लिए नदियों पर बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है। निस्संदेह बड़े बांधों के निर्माण से आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति प्राप्त हुई है, किंतु इससे अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। पर्यावरण पर इनके दुष्प्रभावों को देखते हुए पर्यावरण विरोध तथा सामाजिक संगठनों ने इसका तीव्र विरोध प्रारंभ कर दिया है। बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न समस्याओं में डूब क्षेत्र में आने वाली जनसंख्या का विस्थापन, पुनर्वास, उपजाऊ कृषि भूमि तथा चारागाहों का जलमग्न होना, वन प्राणियों के जीवन पर संकट, जल दाब से भूकंप की आशंका, गाद भराव से उपजाऊ मिट्टी मैदानों में नहीं पहुंच पाना, जल प्लावन, नहरी सिंचाई से मृदा में क्षारीयता अम्लीयता बढ़ना, बांध के भरे स्तर जल से अनेक बीमारियों का फैलना, प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन आदि प्रमुख प्रभाव हैं। बांध बन जाने से निकटवर्ती क्षेत्र में जलवायु की दशाओं में परिवर्तन, समूचे पारिस्थितिक तंत्र पर विसंगति आ जाती है। बड़े बांधों से होने वाले पर्यावरण ह्रास को टिहरी नर्मदा सागर बांध के उदाहरणों से समझा जा सकता है। टिहरी बांध परियोजना से 37,600 हेक्टेयर क्षेत्र पर जल प्लावित होगा, जिससे 36,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र और 1,600 हेक्टेयर कृषि भूमि अनुपलब्ध होगी। कुल 122 गांव तथा टिहरी कस्बा डूब जाने से आने वाले लगभग 1,00,000 लोग विस्थापन होगा। परियोजना से 2,200 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन के साथ 2.7 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई होगी। इस प्रकार नर्मदा घाटी को दो बड़े बांध का निर्माण से कुल डूब क्षेत्र 13,482 हेक्टेयर और 54,066 हेक्टेयर वन क्षेत्र तथा 55,681 हेक्टेयर कृषि भूमि समृद्ध है। दोनों बांधों के कारण कुल 459 गांवों का विस्थापन हुआ। अतः बड़े बांधों के निर्माण से पूर्व इनसे होने वाले पर्यावरण ह्रास का भी विस्तृत मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इससे सारी इकोलॉजी वहाँ की चेंज हो जाती है, कृषि भूमि समाप्त हो जाती है, भूकंप आने के पूरे चांस रहते हैं। नेक्स्ट है तकनीकी विकास। 20वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो प्रगति हुई उसका लाभ उद्योग, कृषि, परिवहन, चिकित्सा आदि विभिन्न क्षेत्रों को प्राप्त हुआ है, किंतु नई तकनीकी से निर्मित विभिन्न उपभोक्ता सामग्री मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डाल रही है। प्रौद्योगिकी विकास के परिणाम स्वरूप प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम उर्वरक, कृत्रिम घास आदि संश्लिष्ट पदार्थ दैनिक जीवन में प्रयुक्त किए जा रहे हैं।
इनके प्रयोग से जहाँ प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम हुआ है, वहीं अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। प्रकृति में अपघटन न होने के कारण प्लास्टिक के कचरे का निपटान मानव के समक्ष एक चुनौती बन गया है। एवरेस्ट से लेकर समुद्रों तटों तक फैला प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। इससे प्राणियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रशीतन उद्योगों तथा वायुयानों द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं से वायुमंडल की ऊपरी परत को हानि पहुंच रही है। आणविक विस्फोटों एवं घातक हथियारों से विश्व पर्यावरण को सर्वाधिक खतरा है। तो जो टेक्नोलॉजियों के द्वारा चाहे हमने नई चीज़ें बनाई हैं, लेकिन उसका पर्यावरण इफेक्ट भी गंभीर है। अतः तकनीकी भी एक तरह से पर्यावरण ह्रास का मुख्य कारण बन रही है। तो जो ये मानवीय कारक थे, मानवीय कारकों के द्वारा जो पर्यावरण अवकर्षण हो रहा है, इससे पहले के वीडियो में हमने प्राकृतिक कारणों का अध्ययन किया। आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।